लेटे हुए पोजीशन में नहीं है, वेंस कहीं नहीं दिख रहा है, खड़े हो जाइए। हम इसको प्रेस किए हुए हैं, इसी पोजीशन में आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, कोई भी वेन नहीं है, जैसा लेटे हुए में थे वैसा ही है। और एब्रप्टली जैसे ही हम रिलीज करेंगे ये वेन फिर डायलेट कर जाएगा, ये तुरंत रिलीज करते ही डायलेट कर गया। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे, यहीं पे परफोरेटर है, इसको अगर सील कर दिया जाए लेजर से तो ये वेन ऑटोमेटिकली ये खत्म हम हो लोग जाएगा। लॉन्ग सेफनस वेन में एंट्री कर रहे हैं और ये ग्रेजुअली फिर ये जस्ट सेफनो फिमोरल जंक्शन तक हम ये यहाँ पे पहुँच गए। अब यहीं से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेज़र एनर्जी 1470 डायोड लेज़र डिलीवर करते हुए हम लोग फिर नीचे की तरफ विड्रॉ करते हैं एमएस इसको। डायोड लेजर एब्लेशन किए थे अभी से लगभग 2 वीक पहले, और अभी कोई भी वेन ऐसे दिख नहीं रहा है इस जगह पर, जो बहुत सारा टॉर्चोसिटी था, एकदम डायलेटेड टिपिकल वेरिकोज वेन का अपेयरेंस दिख रहा था। अभी जरा सा टिश्यू में हार्डनेस है। 2 महीने पहले वेरिकोज वेन की इंडोवेंस डायोड लेजर एब्लेशन लेजर सर्जरी हुई थी, बहुत सारा डायलेटेड वेन था। अगर पहले के पिक्चर में हम लोग देखें या वीडियोज में तो वो दिख रहा है, और अभी अगर देखें तो इसी जगह एकदम पूरा सरपेंटाइन वेन था जो सारा खत्म हो गया और जरा सा पिगमेंटेशन दिख रहा है। कैसा लग रहा है आप? सर ठीक लग रहा है। हाँ मतलब एकदम नॉर्मल पैर की तरह दिख रहा है। तो यही हम बताते हैं कि सर्जन प्लास्टिक सर्जरी में वेन का ट्रीटमेंट जिस तरह से करते हैं वो एकदम अप टू द मार्क है। शायद इससे अच्छा ट्रीटमेंट बहुत कम जगह ही आपको देखने को मिलेगा, है ना? जी सर। दिखता है कहीं का वीडियोज और फोटोज इस तरह का नहीं ना? कितने दिनों बाद है मेडिकल टेस्ट आपका? आपका तो हो गया, सिलेक्शन हो चुका है शायद ना? हाँ सर उसमें मेरिट आउट हो गए थे, इस बार फिर से देंगे। अच्छा, इस बार फिर से देंगे। तो उस बार मेरिट मतलब इसके लिए हुआ, मैंने इसी रिकॉर्ड के इसके लिए नहीं हुआ था, लिए पॉइंट भी नहीं, वो लोग देख भी नहीं पाया, कुछ नहीं पॉइंट नहीं किया, नहीं तो पॉइंट भी नहीं किया तो अच्छी बात है, बढ़िया, एकदम अच्छा है। क्रीम लिख देते होता हैं, ये है। पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।